बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहती हैं। ताजा मामला देश की आजादी को लेकर दिए गए उनके बयान है, जिसे लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी से उनकी ठन गई है। कंगना रनौत ने कहा कि 1947 में जो आजादी मिली वो भीख थी, देश को असली स्वतंत्रता तो 2014 में मिली। इस पर पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी भड़क उठे। कंगना रनौत ने 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने की ओर इशारा करते हुए बात कही थी। वरुण गांधी ने कंगना के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार, इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। साथ ही उन्होंने कंगना रनौत का वो वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो आजादी नहीं थी, आजादी 2014 में मिली है। वरुण गांधी के बयान पर कंगना ने पलटवार किया और कहा कि 1857 का युद्ध भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसे दबा दिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों और अत्याचार और क्रूरता की घटनाओं को अंजाम देना और तेज कर दिया। कंगना रनौत ने तंज कसते हुए कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लगभग एक सदी बाद हमें गांधी के भीख के कटोरे में रखकर आजादी मिली, जा और रो अब। वहीं अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कंगना रनौत के बयान पर ताली बजाने वालों को इडियट्स करार दिया। इस कार्यक्रम में कंगना रनौत ने अंग्रेजों की क्रूरता का जिक्र करते हुए जालियांवाला बाग, नरसंहार और बंगाल के अकाल की भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि यहूदियों के साथ और भी बुरा हुआ जो हमें नहीं बताया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज भारतीयों के पीछे पड़ गए थे और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। हाल ही में कंगना रनौत अंडमान के सेक्युलर जेल में भी गई थी, जहां वीर सावरकर को कैद करके रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।